मीडिया ने आपकी अच्छी बातों के जुबैर साहब चाहे आप नून लीग के ही क्यों ना हो फिर अप्रिशिएट करेंगे अच्छी बातों की रिगार्डलेस जरदारी साहब की पार्टी से हम इनकी बात सुनेंगे और हम ट्रस्ट करेंगे अवाम ट्रस्ट ही करती है ना हमने इमरान खान साहब की बातों पे ट्रस्ट किया था सुन ले वो उनकी बातें सही थी हम उनको बता भी रहे हैं कि आप यू टर्न ले रहे हो प्राइम मिनिस्टर को बता भी रहे हैं मियाँ साहब वैसे मिनिस्ट्री तौरों नहीं मिलनी चाहिए थी मैं हिसाब लिया तो लेट हो गए हो धीरे थैंक यू मैं फिरोजपुर रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया इतना तो मार्जिन दे दे कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई बात ये है कि रूट चेंज करके चार माफियां मांग ले ये तय हो गई है दो कंसेंसस है एक कश्मीर के आवाज से माफी मांग ले कि आपको पता ही नहीं चला कि वहाँ पे क्या हो रहा है आपने जो कश्मीर का सौदा ही हो गया ऊपर ऊपर आप देखते रह गए एक आप उन हाजियों से माफ़ी मांगे झोली फैला फैला के गुरबत को और उसको रो रहे हैं बैठ के अभी प्रोफेसर साहब ने बताया मुझे एक आप फौज से माफ़ी मांगे और कियानी साहब से माफ़ी मांगे जब आप एक्सटेंशन के खिलाफ बातें किया करते थे इदारे तबाह हो गए आज आपने वही काम किया तो वो काम आपने सही किया अभी उस वक्त आप अवाम को क्यों गलत गाइड करते थे सिर्फ वोट लेने के लिए जी चौथी माफी चौथी आप उससे मांगे आप लेट आए आपसे मैं माजरत नहीं 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 बस हो गया मैंने आपसे अर्ज की नहीं वो मैंने मजाक बस ठीक है रोड पे ठीक है नहीं नहीं हो गया वो तीन माफियों का जवाब देना आपने सर देखिए गुजारिश सुने गुजारिश ये है कि अभी हाजियों के हवाले से मैं खुद भी हज से आया हूँ तो उधर ही था मैं बहरहाल सोचा था आपने टोपी क्यों पहनी हुई है हाजियों को टोपी बना के नहीं आए मुबारक हज करके आए बहुत बहुत मैं अपनी बहन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वह जो आप हाजियों के वीडियो की बात करती हैं वो माशाल्लाह आपके दौर की हैं जब आपके मिनिस्टर साहब अंदर हुए थे शायद आपको याद है काजमी साहब जी काजमी साहब और माशाल्लाह वो रिलीज भी हो गए ना मैं रिलीज भी हो गया जी बच भी गए नहीं नहीं बगैर कोई जुर्म साबित नहीं नहीं तो इट्स अनफेयर क्या कहना कोई जुर्म तो अभी तक कोई साबित नहीं हो रहा नहीं नहीं ये जुर्म की तो बात ही नहीं हो रही है जुर्म तो आपको भी साबित नहीं हो रहा अभी असल वाले जुर्म आपके जुर्म की फिर असल है जुर्म इतने हैं कि उनको यहाँ पर बयान करते मेरा कोई दो चार घंटे चाहिए होंगे तो हाजियों एक मिनट जाए मास्टर शॉट बनाए जरा के ये है हमारे प्रोसिक्यूटर जनरल और ये दो मुजरिम बैठे हैं सो आपकी जस्टिफिकेशन ये है कि आज जो खराब हो रहा है वो उसकी मिसाल पहले भी मिलती है ये पीटीआई का ये स्टैंडर्ड है वो हकायक लिख भाई तो आप राय किस लिए थे बात सुनना आप फिर किस लिए आए थे आप तो दोनों एक ही साइड पे है ना मुझे अब बयान करने इन्होंने करने है नॉन लीग और पीपल्स पार्टी दो जिसम एक जान है सर देखे मैं हूं पहले का नहीं मुझे पता मैं सिर्फ कश्मीर के साथ हूं ओके बाकी आप सब अपने अपने अच्छा मेरी सर अर्ज कर देखें हज के दौरान मैं बिल्कुल उधर था और मैंने कुछ कैंप भी विजिट किए कुछ जगहों पर मैं गया भी सारे मामला भी देखिए महंगाई तो सर हुई है ना जो रो रहे होंगे अगर लोग अगर वीडियो पुरानी भी है तो मेरे सामने डेटा पड़ा हुआ उस पर आ जाए ना आप बताइए जो आप देखें डॉलर को देख ले 57 में चला गया 23 सिंह इन्होंने छोड़ा था मैं हज की बात कर रहा हूं हज की कर ले बाकी भी कर लेते हैं वैसे भी रो रहे थे ना कि उनके जो हालात हुए हैं क्या क्या हालात हज के तो कुछ लोग रो रहे होंगे पूरा पाकिस्तान रो रहा है ये जो महंगाई हुई है सर आपको नहीं पता इमरान खान साहब को इसलिए बताओ पहाड़ी में बैठे हुए कहते हैं मुझे को फर्क नहीं पड़ता सुने ना जिनकी वजह से हुई है वो सामने बैठे हुए हैं यार कब तक इनको मार रहे कब तक ये हो गया है भाई बात सुने आप जो कुछ इस मुल्क के लिए करके आराम से ये बैठ गए हैं उनके पैसे वो दे ना जो कर्जे लेते रहे हैं इसलिए 48 घंटे पुरानी रोटी आप सुने ना जुबैर साहब हाजियों को दो दिन पुरानी रोटी दे रहे थे सर बात सुनिए ना करे ना नून लीग खराब काम देखे आप वो देखे ना आज हम हाजियों का भाई मैं बात कर रहे थे 2 लाख हाजी पाकिस्तान से गया आपकी इतला के लिए अर्ज है ठीक है एक आध किसी कैंप में चार जगहों में सर प्रॉब्लम आई है चार कैंपों के अंदर ठीक है चार कैंपों में दो कैंप के अंदर सीरियस प्रॉब्लम थी और दो कैंप के अंदर जो है वो छोटी मोटी प्रॉब्लम थी उनको रिजॉल्व किया गया मैं भी उधर ही था अभी हमारी बहन ने भी एक बात की है गुजराती ने कत्लेआम किया और इन्होंने भी बात की है तो माफी तो पहले कौम से ये मांगे कि उन्हें घर पे अपनी शादियों पे बुलाते रहे ये मांगे हम क्यों अच्छा, मेरे उस भी पे तकलीफ की थी मुसलमानों को मारने वाले घर बुलाए शादी पे कामरान भाई एक बात जी मेरी बात जवाब दे दूंगा इससे पहले जरूर जवाब जब आप मीटिंग के अंदर निजी मीटिंग के अंदर मोदी के साथ आपका लीडर आप अपना सुनते यार मुझे बात करने दे गोड्डे के साथ गोड्डा लगा के जब ये बात करते थे कानों में और जब वहां पर जो बिजनेसमैन बैठा हुआ है आप उनके बेटे के पैगाम उनके बिजनेस के लिए लेकर आया करते थे उस वक्त ये सो रहे थे माफी तो ये मांगे उसका और माफी मैं तो हमने अगर हमने उसे अपनी शादियों पे बुलाया है
अगर हमने उसके जरिए जिंदल के साथ रابطے किए हैं, अगर हमने ये किया है कि जनाब मौलाना फजल उर रहमान को आपने सिर्फ उसके इलेक्शन कमेटी के ऊपर बैठा के आपने सिर्फ इलेक्शन जीतने की दुआ की है उसके लिए, किसके लिए? मोदी के लिए। और क्या देखें जो एक और के कश्मीर और आपकी इतनी मिसकैलकुलेशन थी स्टेट्समैन, बात ये हो रही है कि आपने सोचा कि वो आएगा तो चेंज कर देगा कश्मीर के हालात हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने देखें एक मुल्क के अंदर जब इलेक्शन हो रहे हैं, बात करें तो मेरे ख्याल अच्छा होगा। कोई बात, अगर एक मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहे हो और अगर कोई बंदा ये देखता है कि यार इस मुल्क के अंदर ये लग रहा है कि वे कभी भी नहीं बोलते डिप्लोमेटिकली सर, नोवेयर इन द वर्ल्ड नहीं, यू डोंट शो अप इश्यू के ऊपर आए ना। आप मुझे बात बताएं कि आप लोगों ने कश्मीर के इश्यू को यार आप इस तरह से सवाल का जवाब देते, सवाल ये है वो तो मेरे हमारे दौर में कभी कश्मीर का ये हाल हुआ नहीं जो आप लोगों ने कर दिया स्टेटस चेंज कामरान जितना कश्मीर का इश्यू इन्होंने नुकसान पहुंचाया है सवाल दौर में कभी सर कभी इन्होंने किसी सता के ऊपर अच्छा लेट इनके लीडर लेट जुबैर साहब क्वेश्चन टू बी हर्ड जी। इलेक्शन से पहले मोदी साहब ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम वो पढ़ा नहीं होगा 370 रिपील करेंगे और उन्होंने जगह जगह इलेक्शन कैंपेन में कहा कि हम इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाएंगे कश्मीर को। इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मोदी साहब इलेक्शन जीते विद दिस मैनिफेस्टो कश्मीर का मसला हल कर सकेंगे विद दिस मैनिफेस्टो। विद दिस ये आप पास से आप डाल रहे हैं विद दिस मैनिफेस्टो, बाकी सब छोड़ दो स्टेटमेंट दी मैं अपने पास से नहीं डाल रहा, बीजेपी ने डाला होगा सर, आप लोगों ने पढ़ा नहीं। बीजेपी ने जरूर डाला होगा, बस वही सवाल ही यही है। अब इसी पर हैं आज माशाल्लाह तीन एक साइड पे सवाल करने वाले हैं, मुझे कोई इतराज नहीं। दो मैंने कहा आप सवाल तो देना शुरू करें ना, आप 10 को और बिठा ले हमें, हम आदर है, हमें पता है आपके से आप जवाब दे हो रही है बिल्कुल। आपका बड़ा सवाल भी नहीं है सर, एक मिनट आप घुमाते रहे घुमाते रहे, अब एक दूसरे एक मिनट आप मेरे बार-बार इल्जाम लगा रहे हैं, मैं ना आपके साथ लेंगे साहब, मैं सिर्फ कश्मीर के साथ हूं, अब इससे आगे चलें नहीं तो आप थे। मैं आप दोनों के साथ नहीं हूँ भाई, आप तीनों के साथ नहीं आया हूँ, मैं भी सारे हैं तो बस आप ये पेंट डाला रहे हैं। मैं तो एक एनालिसिस करने की बात है। देखिए अगर आप एनालिसिस करते हैं कि इस दौर के अंदर और पिछले दौर के अंदर नून लीग दौर के अंदर मसला कश्मीर को किस तरह से आपने उजागर किया, किस सतह पर किया था, वो आप बता दें सर। बात हमने छोड़े अच्छा एक मिनट देखिए, ये आर्गुमेंट की गलत डिस्कशन की तरफ जाता है, ये लोगों ने गलत किया, लोगों ने रिजेक्ट किया, ये ठीक है ना, तो हमने जो किया हम आपको बता देते, उसी का पूछ रहा हूँ तो आप फिर ले आते। अब देखे ना बात क्या किया आपने, देखे अभी अभी जो मोदी के लिए क्यों ख्वाहिश जाहिर की, वो एक सिंपल सा सवाल है यार पब्लिकली। कोई जो जो बंदा एक नजर आ रहा है कि ये बंदा जो है ये जीतेगा, इसमें खास कर उन्होंने कहा हमने अपना मसला हल होगा सर, सही कहा था उन्होंने सर, मेरी बात सुने, हल करवा दिया उन्होंने, देखे बात सुने, ये था हल। देखे जुबैर साहब बात ये है, जिसने भी आना है हम ये कहते हैं कि टॉक के जरिए मसला कश्मीर का हल निकलना चाहिए, ये बात जो बात कुछ और हो रही है हमारे आप कुछ और। अच्छा मैं बस कोई जवाब दे रहा हूं, मैं आपको बस कोई जवाब नहीं, देखिए आप ये क्यों नहीं मान सकते, जवाब है अब हमारी फौज हमारी गवर्नमेंट एक पेज पे हुकूमत और हमसे पता है। और दूसरी बात ये है कि जितना कुछ किया मैं तो ये समझ जाता हूं बाजवा साहब का बड़ा मेन रोल है, अमेरिका से विजिट हो, चाइना से ताल्लुकात हो, मिडिल ईस्ट के ताल्लुकात हो, वो मैं आपने बाजवा साहब की बात की थी ना, मैं वो कंटिन्यूटी जरूरी थे बाजवा साहब यूएई गए, हाँ जी सऊदी अरेबिया ने पैसा दिया, चाइना ने पैसा दिया, वो तमाम का तमाम जनरल बाजवा की वजह से, इनकी वजह से नहीं है, आप ही समझते हैं बिल्कुल, कुछ बताएं इस बारे में। देखिए मैं समझती हूँ ये तो बिल्कुल क्लियर है, इस पर तो यू शुड गिव क्रेडिट टू जनरल बाजवा, देखिए इन्होंने खुद ये बड़ी गलत बात होगी, ये बात मानेंगे जुबैर साहब, एक सेकंड, सऊदी अरेबिया फर्स्ट टाइम गए इमरान खान वजीर आजम बनने के, उन्होंने बगैर किसी चीज के वापस भेज दिया, डिसअपॉइंटेड आए, फिर जनरल बाजवा वेंट दे, ये बात तो सही, फिर उसके बाद वो साहब लेकिन इनका मसला ये है कि ये कभी भी जनरल बाजवा को क्रेडिट नहीं देंगे। अच्छा एक मिनट, ये मसला क्यों नहीं, क्योंकि अपनी हुकूमत में कमी लगती है इसलिए जनरल बाजवा, आप लाइक थे बाबा जो इस मुल्क का हाल कर गए, आप बहुत लाइक थे, आपने इसको डुबो के रख दिया, माफी दे दे मुझे, ये देखें माफ कर दे जो इस मुल्क का जुबैर साहब रस्तुओं ने हाल किया वाला, हमें माफ कर दे आप लोग, भाई जो आपने किया वो मैं आपको बताऊंगा, ठहर जरा मैं मियां साहब जी बताएं। देखिए बात दरअसल ये, इसमें कोई दो राय नहीं, जैसे आपने वो कह के लगाए, मैंने आपको कहा दुश्मन को इतना भी हकीर ना समझो, आपने कहा कह के जो आपने क्लिप में लगाया वो तो मैंने लगाया, प्रोड्यूसर लगाने से पूछता हूं अभी मैं। अब बात दरअसल ये कुछ हकायक हैं उनसे हम पर्दापोशी करें आंख चुराएं, खुद मेरे ख्याल में माय मेमोरी डजंट फेल मी इमरान खान साहब ने क्रेडिट दिया था, याद है आपको बाजवा साहब को। अब बात ये है कि वो उनके कहने पर पैसे मिले जो भी मिले पाकिस्तान के कॉफर्स में आए, और उनके लिए अगर उन्होंने जो भी किरदार अदा किया उनका काम तो वजीर आजम का था, लेकिन वी आर ग्रेटफुल। अब बात यह है कि अब आप आज की हालात देखिए,
आज मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल रहा है यूएई में, ही इज गोइंग इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, वहां जाने वाले हैं, उनको हाईएस्ट सिविलियन किंग जैद, हम उनकी ड्राइवरी करते रहे, अवार्ड वो ले गया। $75 बिलियन आराम को इज इन्वेस्टिंग इन रिलायंस सऊदी अरेबिया में, इंडिया आप रोक के दिखा दें, आप वहाँ यूएई की इन्वेस्ट, आप उनको सिविल, ये बेचारे क्या करें वहाँ जाके, इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है। इनकी एक बात से डिसएग्री करती हूँ आपसे, बहुत माजरत और रिस्पेक्टफुली मियां साहब, कि आप जब आप हम भी इसी तरह बैठे होते थे, आपको याद है पीपल्स पार्टी के दौर में, ये तो कुछ है ही नहीं जो हम लोग फेस करते थे। और बात यह है कि हुकूमत को जवाबदेह होना पड़ता है, ये कोई जवाब नहीं, लेकिन आपने ये किया, लेकिन तो आप क्यों कर रहे? मैं भी यही कह रहा हूं, हमने किया तो आप क्यों कर रहे? दूसरी बात, आप तो बहुत ख्वाहिशमंद थे इस जगह पे आने के, आपको पता था कि हम ये इतना गंद कर चुके हैं, तो फिर ये ख्वाहिश आपको नहीं रखनी चाहिए थी अगर आप नहीं संभाल सकते थे। लेकिन बड़ा जरा फौज और हुकूमत एक पेज पे फर नेक्स्ट ईयर, अब आप जलते रहे। 1 करोड़ नौकरियों में से कितनी नौकरियां मिली, 50 लाख घरों में से कितने खजाना छोड़ा इन्होंने, आपने 35 साल लूट बात बताया ना यार मियां साहब, मैं आपकी जगह क्यों लड़ाऊं केस भाई? मैं इतना ऊंचा बोल, आने के ख्वाहिशमंद थे, आने की ख्वाहिश उनको नहीं, बेचैन की सीट की ख्वाहिश किसी की होती है? इमरान खान को भी थी, तो क्या था? हर 10 मिनट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, ये चोर ये चोर ये चोर, मगर अब नहीं था कि हमने इनका किया हुआ गन साफ करना और गंदों का निकालना। मियां साहब कितनी देर लगेगी गन साफ करने में? कब पाकिस्तान की तरक्की शुरू होगी? कब आवाम को रोटी मिलेगी? कब से होगा? गन साफ करने में अभी 6 माह और लगेंगे इंशाल्लाह। पहले आप 100 डेज कह रहे थे, फिर आप कह रहे थे 6 माह, एक साल का डेढ़ साल। कामरान जी, नहीं बात करने दे, जुबैर भाई बात करने दे, जी अभी करना है। हां जी कर रहा है, मैंने 3 सवाल इनसे पूछने, और नहीं ये घुमाएंगे नहीं, ठीक है, ये जो सवाल मेरे से पूछे घुमा के रख दिया आपने, क्या घुमाना है? मैं 3 सवाल पूछ ले भाई, पहले फिरदौस आशिक चौहान साहब की बात सुनते हैं, सुन ले, उन्होंने जो तारीफ की है गवर्नमेंट की, सुन ले जरा, मतलब मजा आएगा जी। एक साल की परफॉर्मेंस में वजीर इत्तला वजीर सॉरी वजीर तरी मशीर इत्तला उन्होंने शरियात क्या फरमाती हैं?